उस पोर्टल के ऊपर जाकर अपनी कंप्लेन करने में असमर्थ हैं, तो आप 1930 पर कॉल करके भी अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, ये बीजी, ये नंबर जो है बीजी रहता है, आपको इस पर बार बार ट्राई करते रहना है और अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर देना है। किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। जैसे कि आजकल हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं और सारा काम हमारा सोशल मीडिया में रहता है, ऐसे में जो है साइबर जो क्राइम है बढ़ता जा रहा है, चाहे वो आपका फेसबुक हो, यूट्यूब हो या अन्य सोशल मीडिया में। इससे हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं अखिल भारतीय साइबर सुरक्षा संगठन और रोहतक से आदरणीय विकास जी। तो उनसे जानेंगे किस प्रकार से ये संगठन काम करती है, क्या ये संगठन पूरे भारतवर्ष के लिए काम करती है या फिर हरियाणा के लिए, ऐसे कई चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हमारा ये एपिसोड अच्छा लगे तो शेयर और फॉलो जरूर करें। नमस्कार सर, किन्नौर अब तक पेज में आपका स्वागत है। विकास जी नमस्कार, मैं किन्नौर की जनता को नमन करता हूँ। मेरा नाम विकास है, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और मैं हरियाणा के अंदर वॉइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी संस्था है अखिल भारतीय साइबर सुरक्षा संगठन, जो कि पिछले कई वर्षों से साइबर के उसमें लोगों को अवेयर कर रही है। स्कूल कॉलेजेस में जाकर हम अवेयरनेस सेशन देते हैं। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे क्राइम केसेस भी सोल्व किए हैं दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर। और वैसे तो हम सुनते आ रहे हैं कि साइबर क्राइम जो है अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन इसका पूरा प्रॉपरली नहीं है, तो आप इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि साइबर क्राइम है क्या चीज़ और इससे हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि क्राइम क्या होता है। बेसिकली कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को परेशान करती है, उसका नुकसान करती है, उसको हम क्राइम बोलते हैं। और अगर यही सेम चीज़ हम डिजिटली अगर परफॉर्म करते हैं, हम किसी के सोशल मीडिया के ऊपर जाकर उसको हरास करते हैं, किसी के अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं, किसी के साथ इसके अलावा और भी कई तरह के स्कैम होते हैं वो किए जाते हैं, ये सारे के सारे साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। मान लेते हैं कि हम साइबर क्राइम के जो है अधीन जो है धोखाधड़ी में चले गए, तो ऐसे में आपकी संस्था की ओर से क्या जो है उपचार या क्या जो है उपभोक्ता को मिलता है? देखिए, अगर आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ कभी भी कोई भी साइबर क्राइम हो जाता है, तो इसके लिए हमारी जो MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, उसके अंदर एक स्कीम है I4C, जो बेसिकली इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जिसने एक वेबसाइट बना रखी है cybercrime.gov.in। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, cybercrime.gov.in। इस पे जाकर आपको अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड कर देनी है। ये एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप जल्दी से जल्दी उस क्राइम से रिलेटेड कनेक्ट हो पाएंगे उस एजेंसी से जो हमारी गवर्नमेंट की बनाई हुई है, और उसने उसके अंडर I4C आता है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसने एक वेबसाइट एक पोर्टल बना रखा है cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in। इस पर जाकर अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड कर दें, वहां से आपका समाधान अवश्य होगा। उस पोर्टल के ऊपर जाकर अपनी कंप्लेन करने में असमर्थ हैं, तो आप 1930 पर कॉल करके भी अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, ये बीजी, ये नंबर जो है बीजी रहता है, आपको इस पर बार बार ट्राई करते रहना है और अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर देना है। उस पोर्टल के ऊपर जाकर अपनी कंप्लेन करने में असमर्थ हैं, तो आप 1930 पर कॉल करके भी अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, ये बीजी, ये नंबर जो है बीजी रहता है, आपको इस पर बार बार ट्राई करते रहना है और अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर देना है। जैसे कि आपने बताया कि अगर साइबर से कोई इसमें परेशानी में आता है, तो cybercrime.gov.in और आपने 1930 जो है नंबर बताया है, इसके अलावा हम अगर सावधानी में क्या क्या हम अपने आप से सावधानी बरत सकते हैं ताकि जो है हम इस क्राइम के शिकार ना हो सके? देखिए, साइबर क्राइम कोई एक तरह का क्राइम नहीं होता है, पहली बात तो ये जान लें आप। साइबर क्राइम बहुत सारे तरीकों से होता है, ठीक है? तो इसके लिए हमें दो तीन चीजों का ही ध्यान रखना है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो कभी भी किसी भी अननोन नंबर से आए हुए कॉल के ऊपर ट्रस्ट ना करें, चाहे वो आपका रिलेटिव बताए, चाहे वो आपकी फैमिली में किसी रिलेटिव का फ्रेंड बताए, आपको ट्रस्ट नहीं करना है विदाउट क्रॉस वेरीफाई किए हुए। नंबर दूसरी चीज, हमारे सोशल मीडिया पे या हम कहीं पर भी कुछ भी डिजिटली अगर कर रहे हैं, ऑनलाइन आए हुए हैं, तो हमें कभी भी किसी अननोन लिंक पर क्लिक
नहीं करना है। इसके अलावा आप कभी भी किसी भी टेक्स्ट मैसेज के ऊपर बिलीव ना करें। अगर जैसे आपके पास कोई टेक्स्ट मैसेज आता है कि आपका क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला है, आपका डेबिट कार्ड सस्पेंड होने वाला है, आपका जो है बिजली का बिल नहीं भरा गया, अपडेट नहीं हुआ, उसको अपडेट करें, आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, इस तरीके से जब भी आपके पास कोई भी टेक्स्ट मैसेज आए तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स ना करें, उन लिंक्स के ऊपर क्लिक ना करें। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमारे पेज के साथ जुड़े, नमस्कार। धन्यवाद आपका भी मुझे अपने इस पेज के ऊपर लाने के लिए, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।